आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। सो आज हम बात करने वाले हैं डिबाय हकल ऑनसागर थ्योरी, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। तो इसमें हम बात करेंगे एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये बेसिकली हमें बताता है कि जब हम पानी डालते हैं या डाइल्यूशन करते हैं तो हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ता क्यों है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं, तो पानी डालने से उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आयन्स तो तब भी प्रेजेंट हैं सारे के सारे। तो डाइल्यूशन के साथ ऐसे बढ़ता क्यों है, तो उसका जो थ्योरी आई थी वो डिबाय हकल ऑनसागर थ्योरी आई थी। तो हम बात करते हैं सबसे पहला एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली ये क्या होता है कि डिस्टॉर्शन ऑफ स्फेरिकल आयन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो एक आयन जो है, जैसे ये मेरा एक आयन है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके अराउंड क्या होगा, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे एक्यूमुलेटेड जो इसके काउंटर आयन्स होंगे। तो ये एक स्फेरिकल आयन या स्फेरिकल एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये एक मतलब स्फेरिकल एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। तो जब ये डिस्टॉर्ट हो जाता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, तो क्या होता है कि इससे हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ स्फेरिकल आयन एटमॉस्फेयर, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो विदाउट डाइल्यूशन जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो बोथ द आयन्स हैं, बोथ द आयन्स से क्या मतलब है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड मूव करते हैं। जैसे नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव इधर जाएगा और पॉजिटिव इधर जाएगा। तो ये क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये बाहर जो पूरा नेगेटिव आयन इसको जकड़ा हुआ है वो इस पूरे मीडियम को लेके कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, इधर की तरफ, बट ये आयन को इधर जाने का मन है। तो क्या होता है, एक खलबली सी मचती है सोल्यूशन में, बहुत मतलब बहुत अजीब तरीके का माहौल क्रिएट होता है। तो इससे क्या होता है कि आयन्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते, लेकिन जब हम पानी डाल देते हैं बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर देते हैं तो इस पॉजिटिव आयन के जो काउंटर पार्ट्स होते हैं ये बहुत दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास तो वाटर आयन सब एक्यूमुलेट हो जाएंगे, H2O जो हमारा पानी है अब वो इसके पास सराउंड हो जाएगा, और नेगेटिव आयन क्या होंगे, ये बहुत दूर चले जाएंगे। जो जो चार्ज्ड स्पीशीज़ हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो ये इजीली अब माइग्रेट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, तो अब ये क्या करेगा, इजीली नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। डिस्टेंस एंड स्फीयर इंक्रीजेज, मतलब अब इसका स्फीयर का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो अब ये आराम से फ्रीली मूव कर सकता है। तो ऑन डाइल्यूशन जो स्फीयर जो होता है वो हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिकॉज इंक्रीज्ड डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो रिस्पेक्टिव चार्ज की मोबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और मैंने आपको ये हर वीडियो में समझाया है कि जब चार्ज की मोबिलिटी बढ़ती है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है किसी भी चार्ज के अराउंड, वो क्या होता है, उसको हम आयोनिक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो नेट फोर्स होती है सेंट्रल एटम पे, मतलब जो सेंट्रल एटम या आयन पे जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि आप देखिए इधर भी एक माइनस है, इधर भी एक माइनस है, तो इधर से इधर दोनों कैंसिल कर रहा है, इधर भी सेम चीज़ है, इधर भी, तो इसको ये कैंसिल कर रहा है। तो ऐसे ही हर डायरेक्शन में जो भी मतलब आयन्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की जो वेक्टर, जो भी प्रोडक्ट होता है, वेक्टर जो एडिशन होता है वो उसका ज़ीरो आता है, नेट रिजल्टेंट उसका ज़ीरो आता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वेन एवर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड ऑन दी आयन, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं आयन पे, तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर होता है ये मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ड्यू टू विच दो जो स्फेरिकल सिमेट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बेसिकली एसिमेट्रिक इफेक्ट की ये जो है ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। पीछे मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ बताया था, अपनी लैंग्वेज में बताया था, बट जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो ये दो पैराग्राफ है कि जब भी हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आयोनिक एटमॉस्फेयर जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसकी वजह से स्फेरिकल सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो सेंट्रल आयन है वो अकेले मूव करने के बजाय वो एक नेट ड्रैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा, कि वो एक नेट ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट मूव करता है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पर जो आयन था ये अकेले मूव नहीं कर रहा था, इसको ये सब ने जकड़ा हुआ था अच्छे से, तो ये क्या कर रहा था, ये इनके अगेंस्ट मूव कर रहा था। मतलब पहले तो उसे इन फोर्सेस को कम करना पड़ रहा था, ओवरकम करना पड़ रहा था, तब जाके ये मूव कर पा रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये नेट ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है। फिर हम डाइल्यूशन क्यों करते हैं, डाइल्यूशन इसलिए करते हैं ताकि ये जो
तो डाइल्यूशन हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दी आयन्स, जो ऑपोजिट आयन्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए, और ये जो फोर्सेस हैं, ये जो जो एक सेंट्रल आयन को ओवरकम करनी पड़ती हैं, ये बहुत वैनिश हो जाए। तो इससे क्या होता है, आयन्स जो है वो हमारा फ्रीली मूव करता है और मोलर कंडक्टेंस हमारी बढ़ती है। तो आप ये याद रखना, जो एसिमेट्रिक इफेक्ट है वो किसके बारे में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरेक्शन के बारे में है। मतलब ये बेसिकली बस एक आयन की बात करता है, पॉजिटिव आयन का कैसा बिहेवियर हो रहा है ड्यू टू सराउंडिंग नेगेटिव आयन्स, उसके बारे में एसिमेट्रिक इफेक्ट बताता है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एसिमेट्रिक और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में, दोनों को सामान्य मानते हैं, उन्हें लगता है दोनों सेम चीज़ है, बट दोनों सेम चीज़ नहीं है। एसिमेट्रिक इफेक्ट में एक आयन की बात हो रही है, एक आयन को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में हम दोनों को कंसिडर करते हैं, प्लस को भी और माइनस को भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमारा जो कोई भी आयन अगर हमारा मीडियम में प्रेजेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कटायन हो या अनायन हो, वो क्या होते हैं, वो हाइड्रेटेड होते हैं। तो ये वो वाली कंडीशन आ गई है जब हमारा बहुत डाइल्यूशन हो गया है। इलेक्ट्रोफोरेटिक में क्या हो रहा है कि डाइल्यूशन की कंडीशन है, कि डाइल्यूशन के बाद क्या होता है, तो डाइल्यूशन के बाद हमारा सबसे ज़्यादा मीडियम में जो प्रेजेंट होगा वो पानी होगा। तो क्या होगा, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स क्या होंगे, ये दोनों हाइड्रेटेड होंगे, एक हाइड्रेटेड स्फीयर फॉर्म हो जाता है इनके अराउंड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आयन्स जो होते हैं सॉल्यूशन में, वो जनरली क्या होते हैं, सॉल्वेटेड होते हैं। सॉल्वेटेड का मतलब बोल सकते हैं कोई सॉल्वेंट उनको सराउंड कर लेता है, या हाइड्रेटेड बोल सकते हैं। फिर जब वो मूव करते हैं तो वो अपने साथ ये पूरा जो हाइड्रेटेड एटमॉस्फेयर है ये कैरी करते हैं अपने साथ। ठीक है, एसोसिएट विद दी एसोसिएटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन दी सेंट्रल आयन। ठीक है, ये जो आयोनिक एटमॉस्फेयर मेकिंग आयन बोथ आर सॉल्वेटेड एंड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए, इसमें जो सबसे जो काम की बात है वो क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड एक वाटर का एटमॉस्फेयर है, सॉल्वेंट का एटमॉस्फेयर है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके अराउंड एक सॉल्वेंट का एटमॉस्फेयर है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव का एटमॉस्फेयर है, एक नेगेटिव का एटमॉस्फेयर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जब ये मूव करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो हाइड्रेटेड जो एटमॉस्फेयर होता है वो इसके हाइड्रेटेड एटमॉस्फेयर को रिपेल करता है, क्योंकि दोनों ही वाटर हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में रिपेल करते हैं। मतलब एक होता नहीं है, कई बार कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो रगड़ खा जाते हैं, या मतलब वो फोर्सफुली ऐसे करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये ड्रैग, एक विस्कस ड्रैग क्रिएट होता है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कस ड्रैग। ठीक है, फिर लेकिन जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं तो ये ऑपोजिट आयन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, पहले जो इतना कम था जब डाइल्यूशन नहीं था, जब हम डाइल्यूशन कर दिए तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसको इसके प्रेजेंस का या इसको इसके एटमॉस्फेयर का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ चीज़ें बगल में एग्जिस्ट भी कर रही है। तो ये फ्रीली मूव करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो विस्कस ड्रैग की जो फोर्स होती है ये कम हो जाती है, और ये हमारा जो आयन है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट था। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट में हमने सिर्फ एक आयन की बात करी कि आयन का जो एक पॉजिटिव आयन का जो काउंटर पार्ट होता है नेगेटिव, वो उसको कैसे मतलब कम करता है उसकी माइग्रेशन एबिलिटी को। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने बात करी कि कैसे दो आयन्स के जो हाइड्रेटेड एटमॉस्फेयर हैं वो आपस में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अलॉन्ग विद देम द मीडियम ऑल्सो मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विच इज़ सराउंडिंग रिस्पेक्टिव आयन्स। रिस्पेक्टिव आयन्स क्या हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो काउंटर करेंट्स हैं इनकी वजह से एक विस्कस ट्रैक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आयन्स जो होती है सोल्यूशन की वो रिजिस्ट होती है। ठीक है, और जब आयन्स की मूवमेंट रिजिस्ट हो जाएगी, तो मैंने बताया था कि मोबिलिटी ही मोलर कंडक्टेंस को बढ़ाती है। जब आयन्स ही मूव नहीं कर रहे तो मोलर कंडक्टेंस कहाँ बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने उनके अंदर पानी डाला ताकि वो दूर हो जाए, आपस में डिस्टेंस बढ़ जाए और वो इजीली फ्रीली मूव कर सके।
तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कलरोशस लॉ की एक इक्वेशन जो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो मैं इसी में बताती हूँ। दोस्तों जो कलरोशस थे, कलरोशस ने एक इक्वेशन दी थी मोलर कंडक्टेंस की, कि जो मोलर कंडक्टेंस है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये एक फॉर्मूला है जो है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और ये पूरा ब्रैकेट में है और इसका पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में रूट स्क्वायर रूट ऑफ सी है। सी क्या है? कंसंट्रेशन। और ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट हैं। ये बेसिकली इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेटिक और एसिमेट्रिक इफेक्ट हमने पढ़े वहाँ से उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा जाता है, मेजर करा जाता है, और फिर हम इसको यहाँ पर पुट करके जो मोलर कंडक्टेंस है वो निकालते हैं। ठीक है, तो जब हमारा जो कंसंट्रेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस दोनों आपस में बराबर हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कलरोशस जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो मोलर कंडक्टेंस है उसको हम प्लॉट कर सकते हैं विद स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो आपके दिमाग में आता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ सी ही क्यों लिया। तो दोस्तों देखिए, ये एक मतलब इक्वेशन या ग्राफ बनाने का तरीका होता है, कि उन्होंने कंसंट्रेशन भी लिया होगा, 1/c भी लिया होगा, सी का स्क्वायर भी लिया होगा, बट उनको जो बेस्ट रिजल्ट मिला वो इसी से मिला। तो इस वजह से उन्होंने लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट सी इसका ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आप सोचिए मत। बेसिकली उन्होंने बहुत से ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करा होगा, बट उनको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इसी चीज़ से मिला होगा जब उन्होंने लेमडा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी का ग्राफ बनाया होगा। तो ये बेसिकली किसके लिए उन्होंने देखा था? यूनिवैलेंट आयन्स के लिए, NaCl हो गया, KCl हो गया, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जो यूनिवैलेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कर्व जो है ये एक लीनियर फॉर्म में आ जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, जो हमने उसमें देखा था कि इसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसा था। तो इन्होंने इसको फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट कर दिया था। बेसिकली क्या था कि लेमडा एम इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट माइनस बी रूट सी। तो इन्होंने इस कांस्टेंट को एक वैल्यू दे दी थी बी। ठीक है, तो वही यहाँ पर बी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और इसको हम कलरोशस कांस्टेंट बोलते हैं। आपको ये याद रखने के लिए बहुत आसान है कि देखिए जो मोलर कंडक्टेंस है वो ज़रूर छोटी होगी किससे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस कैसे मिलेगी आपका? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में से कुछ भाग हमने माइनस कर दिया तो हमें मोलर कंडक्टेंस मिल गई। तो जो कलरोशस कांस्टेंट है इसके ऊपर नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, दो दो मार्क्स में आया हुआ है कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? स्टोशियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिटी। मतलब स्टोशियोमेट्री का मतलब है कि यूनिवैलेंट है या फिर डाईवैलेंट है, किस तरीके का आपका इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करता है। जितने भी यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए ये कांस्टेंट होता है, बट हम जब स्टोशियोमेट्री को चेंज कर देंगे तो ये भी कलरोशस कांस्टेंट भी आपका बदल जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा मेरा कंडक्टेंस का जो भी मैंने अभी तक समझाया। सो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है कंडक्टेंस का। आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, और मुझे उम्मीद है आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर कुछ ना समझ आए तो मेरी ईमेल आईडी है thechemistclub4@gmail.com, इस पर आप मुझे अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपको जो भी आगे पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर हम आगे अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे।